नमस्कार, ये है रन अप और जानिए खेल जगत की बड़ी खबरें। साल का विंबलडन ओपन अपने नाम करने के बाद नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन का खिताब भी जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हुआन डेल पेत्रो को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। इसके साथ ही 14 ग्रैंड स्लैम जीत के उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी पीट सैम्प्रेस की बराबरी कर ली है। यूएस ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबले में चेयर अंपायर के साथ हुए विवाद के बाद सेरेना विलियम्स के ऊपर $17,000 का जुर्माना लगाया गया है। सेरेना के ऊपर $3,000 रैकेट मारने के लिए, $4,000 कोच की मदद लेने के लिए, साथ ही $10,000 अंपायर के साथ गलत व्यवहार करने के लिए जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में चल रहे पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत के लिए डेब्यू करने वाले हनुमा विहारी ने अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में अर्धशतक जड़ने वाले वो भारत के चौथे बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में दो गलत रिव्यू लेने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली दिग्गजों के निशाने पर आ गए हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट करके ये बात कही कि भले ही कोहली सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो, लेकिन रिव्यू लेने में वे सबसे खराब है। आज के लिए इतना ही। खेल जगत की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए रन अप के साथ।